कुड़ियावा थाना इलाके के वारी हनुमान मंदिर के पास रविवार की रात पुलिस ने छापा मार कर करीब 14,000 रुपए की कीमत का अवैध गांजा बरामद किया है और पुलिस ने मौके से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता जाता है कि रविवार की रात सूर्यामा पुलिस को मुखबिर से इस बात की जानकारी मिली कि वारी हनुमान मंदिर के पास एक गांजा तस्कर घूम रहा है, जिसके बाद तत्काल सूर्यामा पुलिस ने वारी हनुमान मंदिर के पास पहुंचकर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी तस्कर के कब्जे से करीब 14,000 रुपए की कीमत का अवैध नाजायज गांजा बरामद किया है। सूर्यामा थाना अध्यक्ष राम नगीना यादव ने बताया कि इस मामले में सूर्यामा के पकरी कला गांव निवासी शाह आलम को गिरफ्तार किया गया है। एसओ ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ सूर्यामा थाने पर आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। भदोही लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के समर्थन में जनसभा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भदोही में आने वाले हैं। 16 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का भदोही में दौरा है और भदोही के गोपीगंज क्षेत्र के ऊंज इलाके में जीटी रोड के किनारे पीएम नरेंद्र मोदी का जनसभा होने वाला है। भदोही में 16 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन की सूचना मिलने के बाद सोमवार को मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने डीएमएसपी की मौजूदगी में ऊंज इलाके में पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का जायजा लिया है। डीआईजी आरपी सिंह ने गोपीगंज से सटे ऊंज इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा को लेकर मौके का जायजा लिया है और डीएमएसपी को हेलीपैड स्थल, पार्किंग स्थल, रूट डायवर्जन समेत तमाम बिंदुओं पर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी अभेद्य सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। एसपीजी कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी के जवानों के साथ ही आसपास के जनपदों की हजारों की मात्रा में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अभेद्य सुरक्षा के दायरे में भदोही में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। भदोही में आगामी 16 मई को होने वाले प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जनपद के भाजपा नेताओं में हर्ष का माहौल बना हुआ है। भदोही में सीएम योगी आदित्यनाथ के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिले का विद्युत विभाग नियमों को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। ताजा मामला भदोही शहर के पिपरीस कंपोजिट विद्यालय का है, जहां पिपरीस कंपोजिट विद्यालय में लगा ट्रांसफार्मर पिछले 2 महीनों से जला पड़ा है। बताया जाता है कि पिपरीस कंपोजिट विद्यालय में लगा ट्रांसफार्मर पिछले 2 महीनों से जला पड़ा है। इस मामले की शिकायत शिक्षकों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की है, मगर विद्युत विभाग के आला अधिकारी इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि प्रदेश में जले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदला जाए, मगर भदोही शहर के पिपरीस कंपोजिट विद्यालय में लगे ट्रांसफार्मर करीब 2 महीने से जले पड़े हैं। 24 घंटे की बजाय करीब 2 महीने हो गए हैं और अभी तक ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। पिपरीस कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक वीरेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी विशाल सिंह से जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलाए जाने की मांग की है। क्या समस्या है सर? यहाँ स्कूल का जो है ट्रांसफार्मर जला हुआ है और टेम्परेरी में बच्चों के लिए हवा के लिए पीछे से लाइन जो है खींचा गया है टेम्परेरी में, और यहाँ विभाग को सूचना दिया गया है। अब देखिए चुनाव तक कितने दिन जला हुआ ट्रांसफार्मर जला है? कम से कम 2 महीने 3 महीने। और कितने केवी का ट्रांसफार्मर है? ये लगभग 16 केवी का है। ठीक, क्या चाहते हैं आप? सर बन जाता तो इधर था, अच्छा था, पीछे से लिया गया लाइन का, वहाँ खराब हो जाए क्या? नहीं, आगे चुनाव भी है, समस्या हो सकती है जो है, कोई भी हो सकता है।